आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने डकैती कांड के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इस पर नबीगंज थाना में दो मामला पहले से दर्ज हैं, जिसमें ये फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने विनोद राय नाम के इस आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो फैजुल्लापुर गांव का निवासी है और शंकर राय का पुत्र बताया जा रहा है। अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और जिस थाने में इसके विरुद्ध डकैती के मामले दर्ज हैं, उन थानों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है, ताकि आरोपी से रिमांड पर लेकर अगर आवश्यकता हो तो पुलिस अनुसंधान कर सकती है। राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने अपने आवासीय कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए सूबे के नीतीश तेजस्वी की सरकार द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार सरकार कम समय में किए गए वादा को पूरा कर दी है और आज 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देकर इतिहास रच दिया है। आपको बताते चले कि राजद जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि राज्य की महागठबंधन सरकार ने कम समय में रिकॉर्ड 2,17,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर इतिहास रच दिया है। जब से बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार बनी है, तब से राज्य में नौकरियों की भरमार हो गई है। सरकार पूर्ण प्रण और संपूर्ण संकल्प के साथ कम समय में किए गए वादे को पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आज बिहार पूरे देश के लिए नजीर बना हुआ है। राज्य में जातीय जनगणना कराकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 75% आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश तेजस्वी की सरकार ने अपने किए गए वादे को पूरा करते हुए 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देकर एक ऐतिहासिक कार्य किया है। गृह विभाग में हजारों पुलिसकर्मियों की बहाली के साथ साथ अन्य विभागों में लाखों पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। अब तक कुल 5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकार ने नौकरी देकर पूरे भारत में कीर्तिमान स्थापित किया है, जो आगे भी जारी रहेगा। इसके अलावा महागठबंधन की सरकार ने अपने वादे के अनुरूप तालिमी मरकज, शिक्षा मित्र तथा टोला सेवकों का मानदेय दुगुना करने के साथ साथ आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका तथा पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय को भी बढ़ाया और वृद्धि का साहसिक निर्णय लिया। इस अवसर पर राजद प्रवक्ता विशाल सिंह भी मौजूद रहे। लगभग 13-14 महीना पहले महागठबंधन की सरकार बने हुए हुआ, इसमें रिकॉर्ड अभी तक लगभग 5.5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया सीधे सरकार के द्वारा, जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का वादा था कि सरकार में आते ही 10 लाख नौकरियां हम देंगे, जिसमें से अभी तक मात्र 14 महीने में लगभग 5.5 लाख नौकरियां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व की सरकार ने अभी तक दे दिया। और साथ ही साथ जब महागठबंधन का सरकार बना, उस समय हमारे नेता का जो 10 लाख नौकरी का वादा था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख लोगों को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने के लिए वादा किया था। कुल 20 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार और नौकरी देने का वादा हुआ था, जिसमें से उद्यमी योजना सहित कई विभाग की जो भी योजनाएं हैं उनके माध्यम से सरकार उद्यमी योजना के तहत 0% ब्याज दर पे 10 लाख रुपये का ऋण दे रहा है, जिसमें अनुदान भी 5 लाख का है। 5 लाख रुपया 0% ब्याज दर पे सरकार को वापस करना है और जो भी युवा हैं उद्योग विभाग के माध्यम से 10 लाख रुपये का ऋण ले सकते हैं और उसमें से 5 लाख उनको अनुदान के तौर पे उनको नहीं देना है। बाकी का जो 5 लाख रुपया है वो 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों में कमा कमा कर सरकार को वापस करना है। यह उद्यमी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए इस तरह का जो सरकार के द्वारा नीति लाया गया है। और इसके साथ ही तबलीकी मरकज है, टोला सहायक है, शिक्षा मित्र है, सभी का जो मानदेय बढ़ा है, यह भी हमारे महागठबंधन की सरकार का यह उपलब्धि है। और साथ ही साथ
पंचायत प्रतिनिधि का भी मानदेय बढ़ा है और सबसे बड़ी चीज़ है रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है और युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है और स्वरोजगार से जोड़ रही है। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि हमारे नेता का प्रण अडिग है और जो भी प्रण लेते हैं, जो भी वादा करते हैं, उसको समय सीमा से पूर्व पूरा करने का काम करते हैं। इसके लिए हम अपने महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी और आदरणीय उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ आप सभी मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोग हमारी बात और सरकार की बातों को जन जन तक पहुँचाने का काम। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के सभी क्षेत्रों में वाहनों की जांच की जा रही है, जिसमें वाहन के कागजात, हेलमेट और सीट बेल्ट इत्यादि की जांच प्रमुखता से हो रही है। ऐसे में कई जगह लहरिया कट मोटरसाइकिल चलाने वाले या अपनी गाड़ी में एक्स्ट्रा आवाज निकालने वाले उपकरण लगाकर चल रहे वाहनों को भी पकड़ा जा रहा है। इस कड़ी में एक बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे की तरह आवाज निकालने वाले को पकड़ लिया गया और उन पर भी भारी जुर्माना लगाते भी पुलिस ने उसी वक्त साइलेंसर से उपकरण को निकलवाया तथा दूसरे वाहनों से भी बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर जुर्माना वसूल किया। हेलमेट को खरीदाया गया। जगह जगह पर पुलिस इस तरह का अभियान चला रही है ताकि सड़क हादसों और उसमें होने वाले खास करके मृत्यु दर को कम किया जा सके। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार तनिष्क रीवा वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा नियर बबुनिया मोड़ सिवान। आपके गोपालगंज के लोकनाथ फर्नीचर में हाँ, नीलकमल, त्रिवेणी, सेंचुरी, डायमंड, सुप्रीम, स्मार्टवुड जैसे ब्रांडेड कंपनियों की फर्नीचर के अलावा सीसम, सागवान के पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग, कुर्सी, अलमारी, मैट्रेस एवं मॉड्यूलर फर्नीचर उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही अपने मनपसंद फर्नीचर बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। लोकनाथ फर्नीचर, जादूपुर रोड, लखपतिया मोड़, गोपालगंज। गोपालगंज यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए अलग अलग तरह से अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और सड़क हादसों को कम किया जाए। इसी कड़ी में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना के बजाय गुलाब देकर उन्हें लज्जित किया गया और ये कार्य पुलिस नहीं बल्कि नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में स्कूल के छात्रों ने किया। दरअसल सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन 11 जनवरी से 17 जनवरी तक किया जा रहा है, जिसमें गोपालगंज जिले के विभिन्न स्थानों पर युवा वॉलंटियर द्वारा यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला युवा अधिकारी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को गांधीगिरी के माध्यम से गुलाब का फूल देकर लोगों को नियमों का पालन करने का अनुरोध किया जा रहा है, जिसमें बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड के जिला संगठन आयुक्त रवि कुमार सिंह के नेतृत्व में बीएम इंटर कॉलेज के स्काउट सुधांशु कुमार, रिजवान अली, विशाल कुमार, मोहित कुमार, आयुष कुमार, अब्दुल समीर, राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक के इरशाद अहमद मौजूद रहे। मीरगंज थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बैंक लूट करने की योजना बनाते हुए 3 अपराधियों को 2 देसी पिस्तौल और 18 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने मीरगंज थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधी सिवान जिले के रहने वाले हैं और इन पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। ये सभी बड़ी पट्टी के ग्रामीण बैंक की शाखा पर लूटपाट करने वाले थे और इसी को लेकर बैंक के नजदीक ही शिव मंदिर पर एकत्रित हुए थे। तभी पुलिस को इनकी जानकारी मिल गई और पुलिस ने घेराबंदी करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी में ऋतिक कुमार सिवान का कुख्यात अपराधी है और इस पर कई थानों में केस दर्ज है। ये सिवान जिले के जीबी नगर थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव का निवासी है तो दूसरा आरोपी रोहित कुमार उर्फ अभिषेक यादव मुस्फिल थाना क्षेत्र के जियाई का निवासी है तो आदित्य कुमार दरौदा थाना क्षेत्र के सामान का रहने वाला है। इनके दूसरे अपराधों को भी पुलिस जांच पड़ताल करते हुए उनके पूरे रैकेट में कौन कौन लोग शामिल हैं इस पर भी जांच पड़ताल कर रही है और मीरगंज में होने वाली बैंक लूटकांड में कौन कौन से स्थानीय लोग शामिल हैं इन पर भी पुलिस अनुसंधान कर रही है।
कुचाकुत प्रखंड के बलवंत सागर निवासी ओम प्रकाश गुप्ता की सुपुत्री सुरभि कुमारी ने बीएससी से कंप्यूटर साइंस विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनित होकर गांव प्रखंड व जिले का नाम रोशन किया है। सुरभि कुमारी ने मैट्रिक तक की पढ़ाई हजारीलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलवंत सागर से की है। उसके बाद डिप्लोमा गोपालगंज पॉलिटेक्निक कॉलेज से किया है। गया इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक तथा एनआईटी पटना से एमटेक की डिग्री कंप्यूटर साइंस ब्रांच से की है। फिलहाल वह मल्टीनेशनल कंपनी ऑप्टम से सॉफ्ट इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। इनका बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हुआ है। उन्होंने बताया कि श्री माता पिता भाई व गुरुजनों को दिया है। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस के द्वारा पूर्वी चंपारण की उत्पाद पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें सीमावर्ती इलाकों में हो रही शराब तस्करी को लेकर सर्च किया गया और गंडक नदी में भी पेट्रोलिंग की गई, जिसकी वजह से कई जगहों पर कच्ची शराब बनाने की सामग्री पकड़ी गई जिसे नष्ट किया गया। बड़े बड़े ड्रम के अंदर अर्ध निर्मित शराब भी पकड़े गए जिसे नष्ट किया गया। नाव के माध्यम से भी पुलिस ने नदी क्षेत्र में अभियान चलाया और ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया ताकि देरा इलाके में हो रही शराब तस्करी पर नकेल कसी जा सके। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम सबके हैं। उनका व्यक्तित्व मानव मात्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन में स्थापित आदर्श एक बेहतरीन शासन का उदाहरण है। ये बात ही भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रवि प्रकाश मणि ने कही। वे रविवार को सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या से आए पूजित अक्षत का वितरण कर रहे थे। उन्होंने लोगों से 14 से 21 जनवरी के बीच मंदिरों में सफाई अभियान चलाने तथा 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने का आह्वान किया। शोभा यात्रा से राम जानकी मंदिर, भाटवा से श्रीराम जानकी मंदिर, पंचदेवरी, चक्रपान, चैनटोला, तितरिया, सिकटिया, श्रीराम जानकी मंदिर, जमनाहा बाजार, महेशपुर, भृंगीचक आदि जगहों पर की गई। शोभा यात्रा निकालकर अक्षत वितरण किया गया। इस दौरान राम मंदिर की भव्यता व भगवान राम के विभिन्न स्वरूपों से भी राम भक्तों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम को लेकर भक्तों में काफी उत्साह दिखा। इस दौरान गोपालगंज संघ शताब्दी विस्तारक पदाधिकारी हरिशंकर चौबे ने बताया कि 22 जनवरी को पंचदरी प्रखंड के लगभग 180 मंदिरों में दीपावली मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान आम जन को अपने अपने घरों पर भी दिवाली मनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राम दीप जलाने की अपील की है। पूरे देश के सभी लोग 22 जनवरी को अपने घरों की पूजा गृह में राम दीप जलाएंगे। मौके पर बीजेपी नेता रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी, जगदम्बा राम, उमेश प्रधान, संदीप पुष्पक आदि लोग मौजूद रहे। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर अलग अलग थाना की पुलिस शराब तस्करों को पकड़ने के लिए रात दिन छापेमारी कर रही है। इसी बीच पुलिस ने गंडक नदी में भी पेट्रोलिंग किया और नदी के किनारे रात्रि में भी सर्च अभियान चलाया गया ताकि कच्ची शराब बनाने वालों को पकड़ा जा सके। इस दौरान बैकुंठपुर, माझा, बरौली, कुचायकोट पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र में अभियान चलाया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।